लोकसभा में शुक्रवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बयान पर हंगामा हो गया। हंगामा इतना बढ़ गया कि मामला धक्का मुक्की तक आ पहुंचा। दरअसल एक सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने राहुल गांधी के डंडे मार बयान का जिक्र किया और आलोचना करने लगे। उन्हें स्पीकर ओम बिरला ने रोकने की कोशिश की। इस बीच कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर हर्षवर्धन की सीट पर पहुंच गए और दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। वहीं बीजेपी सांसद वेल में आ गए और कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर को पकड़ लिया और धक्का मुक्की शुरू हो गई। उसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। लोकसभा में मचे हंगामे के बाद डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि मुझे आश्चर्य है कि राहुल गांधी के पिता खुद देश के प्रधानमंत्री थे, तो ऐसी टिप्पणी वो कैसे कर सकते हैं। लोग पीएम को डंडों से पीटेंगे और देश से बाहर फेंक देंगे। हम सभी को इसकी निंदा करनी चाहिए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के सांसद मणिकम टैगोर का बचाव करते हुए कहा है कि उन्होंने किसी पर हमला नहीं किया। वो वेल में जरूर गए, आप कैमरा देख सकते हैं, उनके ऊपर उल्टा हमला हुआ। राहुल ने केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन पर निशाना साधते हुए कहा कि वो मेरे सवाल का जवाब देने की बजाय दूसरी बातें कर रहे थे। जबकि बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बयान पर लोकसभा में बोल रहे थे, तभी कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर उन्हीं पर आरोप लगाने लगे। उसके बाद विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। ये लोकतंत्र के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। राहुल गांधी के बयान को लेकर सदन में मचे हंगामे को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा अध्यक्ष से शिकायत भी की। बता दें कि बजट सत्र के दौरान गुरुवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला था। बीते गुरुवार को लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में प्रधानमंत्री ने अपना बचाव दिया। उस दौरान उन्होंने बिना नाम लिए ही राहुल गांधी की तुलना ट्यूबलाइट से कर दी थी। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया और पूरे भाषण में सिर्फ नेहरू नेहरू किया गया। द डेली न्यूज रूम की रिपोर्ट।